नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के उन बच्चों के बारे में जिनका तैयारी अभी तक नहीं हो पाया अच्छे तरीके से। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके बारे में ही बात करेंगे और बहुत कुछ बात करेंगे। बहुत इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस वीडियो को तो देखने से, तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अपने खबर पर आते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि आप लोगों को पता होगा कि 10 जुलाई को एग्जाम है, मुश्किल से 2 दिन आपके पास बचा हुआ है। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है और एडमिट कार्ड के साथ मैं पहले बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो एडमिट कार्ड के साथ एक फोटोकॉपी ले जाना है अपने ओरिजिनल आईडी का, वो आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है जिस पे डेट ऑफ बर्थ है क्लियर मेंशन किया हो, पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हो, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लीजिएगा जो आपने फॉर्म फिल करते समय अप्लाई करते समय डाला था, वही फ़ोटो सेम होना चाहिए। तो इतना आप लोगों को पता होगा। अब आप लोगों को जो मैं खबर बताने वाला था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या करना है कि YouTube पे हमारे चैनल का नाम नॉलेज बज आपको टाइप करना है, ठीक है। YouTube पे नॉलेज बज आपको टाइप करना है और मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है तैयारी को लेके, मतलब हर एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट कराया। तो आपको प्लेलिस्ट में सबसे पहले जाना है। अगर आपको मान लीजिए कि टॉपिक वाइज वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाना होगा, आपको फुल वीडियो देखना तो भी देख सकते हैं। तो आपको फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक दूसरे नंबर पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले जो 5 एक्सरसाइज है, पहले जो 5 लेसन है वो मैथ्स के है, ठीक है। पहले 5 क्लास मैथ्स के है, उसके बाद 9 क्लास 9 से 14 क्लास हो जाएंगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं मिसलेनियस तक है। और अंतिम क्लास आपको इंग्लिश लैंग्वेज का क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। टोटल 15 क्लास है, 165 व्यू है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको एक ही साथ सारा वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ बैक करना है, वीडियोस से वाले सेक्शन पे जाना हमारे चैनल पे, जो भी लिंक है सब मैं दे दूंगा। और यहाँ देखिएगा दूसरे नंबर पे दिया होगा बैंकिंग की तैयारी, अब एक वीडियो से ये क्रैश कोर्स है पूरे बैंकिंग की तैयारी के लिए। 100 नंबर का ये वीडियो है, मतलब 100 नंबर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने प्रोवाइड आप लोग को करवा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों सेक्शन को मैंने एक ही वीडियो में डाला हुआ है। 6 घंटे का ये वीडियो है, ठीक है। मैं इसे चला के आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो कितने घंटे का, 6 घंटे का ये वीडियो है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग देख के जाइएगा, 6 घंटे का ये वीडियो है, ठीक है। सारे क्लास आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा 110 व्यू है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज का ये कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। क्रैश कोर्स है यहाँ पे, सभी क्वेश्चन यहाँ मिक्स किए हुए हैं, 30 क्वेश्चन इससे बाहर दोस्तों नहीं आएंगे। फिर इसको आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग का ये कोर्स देखने को मिलेगा, रीजनिंग का भी एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल रीजनिंग पढ़ना है तो 3 घंटे का ये वीडियो है, उसके बाद आप चाहते हैं केवल मैथ्स पढ़ना है तो ये देखिएगा 2 घंटे 44 मिनट 56 सेकंड का ये वीडियो है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, मैंने एक साथ भी वीडियो बनाया हुआ है और मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। अगर आप लोग हर टॉपिक का अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोस्तों कुछ भी कमी नहीं छोड़ा हुआ है। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, हमने जो वीडियो बनाया उन सभी को आप देख लेते हैं अच्छे से, तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी टाइप नहीं बचेगा। इससे बाहर आपको दोस्तों कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, इससे लेवल भी हार्ड नहीं होगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को बताया है। तो ये जो क्लासेज मैंने आप लोग के लिए बनाया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप SBI की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रामीण बैंक क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, और किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा, किसी भी टॉपिक का आप लोग क्लास चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।